तक इतने बड़े पहुंच सकती है प्रेजेंट डेट पर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस सक्षम गुप्ता ट्रिपल अंडर ग्रेजुएट ऑफ पिलानी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काफी ज्यादा हमें स्ट्राइक तक करते हैं, बट हमें कहीं ढंग से आंसर नहीं मिलता, तो आज ये आंसर आपके सामने दोस्तों प्रस्तुत है। सवाल ये है दोस्तों कि जो ये एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ये लॉस मेकिंग कंपनीज में भी पैसा क्यों लगाते हैं, क्या सोचकर लगाते हैं, कैसे कैसे, क्या मतलब क्या साइकिल चल रही होती है, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगाने का क्या मतलब है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप समझिए, पहले जो वेंचर कैपिटलिस्ट है या एंजल इन्वेस्टर है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पैसा लगाते हैं। अब होता क्या दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जब भी पैसा देते हैं तो वहाँ का फायदा क्या होता है कि आप कंपनी अभी छोटी है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो आपको ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता है मेजर स्टेक होल्डिंग के। तो लेट अस अस्यूम कि आपने 10% की स्टेक होल्डिंग ले ली कुछ 1 करोड़ रुपए देके, ओके, जब कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी, और डाउन द लाइन 10 इयर्स 15 इयर्स या मतलब कुछ कम टाइम में कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस था वो डबल हो गया, तो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जितनी 1 करोड़ रुपए को 2 करोड़ हो चुकी है, तो यहाँ पर सीधा सीधा 100% का रिटर्न आपको मिला है। तो इस तरह के 100%, 500%, 1000% दोस्तों, इस तरह के जो बेसिकली रिटर्न होते हैं, इन रिटर्न के ऊपर नजर होती है एंजल इन्वेस्टर की या वेंचर कैपिटलिस्ट की। तो इसी तरह हमें समझना होगा दोस्तों कि काफी इंटेलिजेंट लोग होते हैं। देखो सिंपल सी बात, एक जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होता है ना, उसको मतलब ये होता है कि यार आज नहीं है भले कंपनी प्रॉफिटेबल, या हो सकता है अगले 10 साल भी ना हो, बट 10 साल के बाद ही क्या कर रही होगी, क्या ये कैसा इंटीग्रल पार्ट बन चुकी होगी किसी भी तरह की इकोनॉमी का, कि इसके बिना चीजें सक्सेसफुल ना हो सके, क्योंकि तब इसको एक बड़ी कंपनी खरीद लेगी, या फिर हो सकता है कि फ्यूचर में एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाए। ओके, तो हम दोनों ही चीजों को समझते हैं। अब दोस्तों पहला एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको ऊबर ईट्स है। अब ऊबर ईट्स ने दोस्तों क्या किया, ऊबर ईट्स एक बेसिकली फूड डिलीवरी की एक स्टार्टअप था जिसको जोमेटो ने खरीद लिया। जो खरीदा तो कैसे, किस रेट पे खरीदी, मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू में खरीदी जाती है कोई भी कंपनी। तो जो ऊबर ईट के जो भी बेसिकली जो भी इन्वेस्टर्स थे, उनको उनके स्टॉक प्राइस पर कंपनी स्टॉक प्राइस पर पैसा मिल गया जब भी जोमेटो ने ऊबर ईट को खरीदा। क्योंकि जोमेटो ऐसे ही नहीं बना, जोमेटो एक बड़ी मछली है जिसने बहुत छोटी छोटी मछलियों को खाया और आज वो आपको मछली खिलाती है। तो ये है जोमेटो का बेसिकली, क्योंकि इस तरह से बेसिकली ऊबर ईट्स के जो इन्वेस्टर थे उनको उनका पैसा वापस मिला। इसी तरह दोस्तों आपका फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट लॉस मेकिंग कंपनी थी, सिमिलरली ऊबर ईट्स भी लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट होता क्या है ना दोस्तों, जब एक अच्छा नेटवर्क एस्टैब्लिश हो जाता है, जब कंपनी काफी एक्सपैंड कर जाती है, स्टॉक प्राइसेस का उस रिलेशन में बढ़ता चला जाता है, और फिर जब कंपनी बिकती है, क्योंकि आप समझो ना, सपोज फ्लिपकार्ट एक मछली थी और वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी मछली, तो उस बड़ी मछली को उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन फेंकने में कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने $16 बिलियन उठाए और निकाल के दे दिए, पर जो इन्वेस्टर थे उनको तो उनके जो करंट स्टॉक प्राइस था उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनको तो वैल्यू मिल गई ना उनकी, तो $16 बिलियन में फ्लिपकार्ट बिकी थी, जिसमें कि इन्वेस्टर्स को एक एग्जिट रूट मिल गया था। बहुत सारे स्टार्टअप्स इसी तरह में आजकल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको एग्जिट रूट सामने से नजर आ जाते हैं, ठीक है कल को ये एक काफी अच्छा फंक्शन बन जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगी और हमारा एग्जिट रूट सिंपल होगा। चलते हैं दोस्तों एक अलग एग्जाम्पल की तरफ, जुड़ते हैं जोमेटो का। अब जोमेटो दोस्तों क्या है, जोमेटो का जो मॉडल है बेसिकली वो मैंने आपको अपने चैनल पर डिस्कस भी करके दिखाया है, पूरी केस स्टडी दी है दोस्तों, कि जोमेटो ऐसा नहीं है जैसे हम सोचते हैं कि लत लगा रहा है, आज फ्लिपकार्ट दे रहा है कल को नहीं देगा, वो एक नेटवर्क भी बन चुका है, और दोस्तों उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है। आपको चिकन बिरयानी पसंद है, आपको स्पाइसी पसंद है, आपको 110 रुपए की ही पसंद है, और आपको एग बिरयानी नहीं पसंद है, ये उसके सारा डेटा वो अपने पास रखता है। इस डेटा की क्या वैल्यू है दोस्तों, डेटा से ज्यादा चीज आज चीज की वैल्यू नहीं है, डेटा इस टाइम पर बिल्कुल एक बहुत बड़ा एसेट है, जो कि किसी भी कंपनी के पास होगा तो उसका फ्लरिश करना बहुत सिंपल है। तो कंपनी जो है इस डेटा के लिए बेसिकली अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो लगाती है, कि डाउन द लाइन आज प्रॉफिटेबल नहीं है, कल को इसकी कुछ अलग बिजनेस स्टार्ट होंगे तभी प्रॉफिटेबल होगी और तब भी उनको फायदा मिलेगा, हालांकि स्टॉक प्राइसेस तो इंक्रीज करते ही रहते हैं। एंड लास्ट ऑफ ऑल दोस्तों एक कमाल की चीज, स्टार्टअप्स के लिए दोस्तों ये कहा जाता है कि 10 में से ना एक स्टार्टअप फेल हो जाता है, ये मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था, एक इन्वेस्टर की बात सुन रहा था, क्या कैसे इन्वेस्ट करते हैं कंपनी, उनका दोस्तों कहना ये है कि यार उनको सिंपल सा पता है, जैसे 10 स्टार्टअप में से एक सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या करते हैं, वो 10 स्टार्टअप में पैसा देते हैं,
अब एक लेमैन को भी समझ जाएगा कि अच्छा 10 स्टार्टअप में पैसा दिया तो एक मरे से मरा यार एक भी सक्सेसफुल हो गया तो उनका तो इवन आउट हो जाता है, पर 9 के लॉस की फर्क नहीं पड़ती क्योंकि उनका एक ही उनको उठा के ले जाता है। हालांकि उन्होंने इस पॉडकास्ट में बड़ी अच्छी बात कही कि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 9 कंपनियां डूब गई, एक कंपनी चल गई, उनका तो इवन आउट हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया। बट हाँ, जो कि उनकी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो कि बेसिकली फाउंडर्स होते हैं, उनके लिए काफी दिल की बात होती है क्योंकि बेसिकली सेड कि जब एक स्टार्टअप को जब आप एक ग्रो करते हो तो इट्स लाइक डूइंग योर ओन बेबी। सो ही सेइंग, ही वाज सेइंग कि ठीक है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ फाउंडर्स के लिए बड़ी बात होती है। बट हाँ, हमें बेसिक बेसिक की बात समझ आएगी किस तरह से जो एक एंटरप्रेन्योर बेसिकली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या सोचकर इन लॉस मेकिंग कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चीजें समझ आई होगी। ऐसी और भी काफी सारी वीडियोस आएंगी, केस स्टडीज आएंगी, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। बाय।